तो नमस्कार साथियों, अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर की छत पर, और ऊपर जा कर के हम देखते हैं कितने आम लगे हुए हैं। और कुछ ये छत पर, ये धूप है, 2 बजे का समय है, और मैं जाकर देखता हूँ। कुछ चटनी बनाने के लिए आम की ज़रूरत है। तो देखिए, ये पेड़ है पास में, एक तो ये अड़ूसे का पेड़ है, इसके पत्ते मेरी छत पर गिरते रहते हैं। ये पीछे आपको देखिए आम लटके हुए कुछ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चढ़ता हूँ दमदमे के ऊपर, और ऊपर जाकर देखते हैं आम हमको कैसे मिलेंगे। डंडे की ज़रूरत है या इजी वे में ये पानी की टंकियाँ रखी हुई है। और आज है 8 मई, तेज़ गर्मी है, और यहाँ देख रहा हूँ मैं आम बहुत ही आराम से हाथ से पहुँच पाऊँगा। अरे ये रहा, ये देखिए ये रहा, किस प्रकार से हाथ से ही मैं आम ले पाऊँगा यहाँ पर। और देखिए ये नीचे, यहाँ ये आराम से बैठ करके, और ये बिल्कुल हाथ, और ये झुंड देखिए आप, ये झुमका देखिए आप, कितना आसानी से हाथ पहुँच पा रहा है। ये देखो, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े आम लगे हुए हैं। अभी मैं चटनी के लिए इनको लेने वाला हूँ। देखिए 3 आम यहाँ लगे हुए हैं, 5-6 आम वहाँ लगे हुए हैं, नीचे भी है, 2 आम इतने वहाँ, ये सारे। सब हाथ पहुँच पा रहा है। और अभी के ये लिए फिलहाल इतना ही। खूबसूरत प्रकृति देखिए, इधर थोड़े दूर हैं, ये थोड़े दूर है, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर 4-5 का जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक ये बहुत ही सुंदर और बड़े आकार के आम हैं देखिए आप। और ये ज़्यादा खट्टे आम नहीं है, ऊपर पेड़ देखिए के वहाँ खट्टे पर नहीं भी है, लगे उधर हुए, पास वाले के खट्टे हैं। ये देखिए जगह जगह ये आम लगे हुए हैं। और ये एक आम शायद यहाँ गिर गया, ये खराब एक हो और गया, गिरा। ये खराब हो गया है, गर्मी लू लग गई है इसे। और अब ये इतनी गर्मी में देखिए पेड़ जलने लगे हैं, तो पानी कितना आ रहा देखता हूँ मैं। मेरा फोटो एक कर दी थी हाँ। और ये तेज गर्मी है, और ये पानी टंकी में पड़ता हुआ, और प्रकृति ने बहुत ही कृपा बनाए रखी है, क्योंकि आसपास काफ़ी लोगों के घरों में बोरिंग में पानी आना, नलकूप में बंद हो गया है। और ये देखिए, ये हाथ से एक आम तोड़ा है, और ये चारू मेरी बेटी है, ये आम तोड़ रही है, और ये इसमें इकट्ठे करके चटनी बनाने के लिए हम ले जाने वाले हैं। पेड़ जल रहे हैं, बहुत ही गर्मी है, और ये पानी टंकी में फंसा हुआ, तेज गति से पानी आ रहा है, बहुत ही ठंडा पानी आ रहा है। और ये मैं बहुत हाइट पर हूँ अभी, ये बहुत ही हाइट पर हूँ मैं, आम ज़्यादा ऊपर नहीं है, आस पास ही ये छत पर, ये बहुत ही धूप, तेज़ धूप लग रही है, पेड़ जल रहे हैं। और ये मेरे घर के आसपास का ये नज़ारा है, इधर सामने भी आम का पेड़ है, कुछ पीछे ये कई पत्थर गोदाम है, उधर खेत हैं, कुछ लोगों के मकान बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, अब हम कुछ आम इकट्ठे कर लेते हैं। देखिए फटाफट आम इकट्ठे हो रहे हैं इसमें तसले में, और जहाँ तक हाथ पहुँच पा रहा है वहाँ तक के आम हम ले रहे हैं। और जैसे ही कच्चे आम को तोड़ते हैं, तो देखिए आप आगे उसमें से चीक निकलता है, और उस चीक से खुद को बचाना ज़रूरी है, बिल्कुल पिचकारी की तरह निकलता है वो, और वो अगर शरीर के अंगों पर लगता है तो उस पर घाव हो जाते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धन्यवाद, और नए वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। और बहुत ही खुशबू अच्छी सी आ रही है एकदम कच्चे आम की, और बहुत सारे आम लगे हुए हैं, तो ये प्रकृति का एक वरदान है, और आसपास में उपलब्ध है, तो इनका गर्मी में सेवन करना चाहिए, आम रस का, कच्ची चेरी का पन्ना बनाकर, ताकि लू से हम बचे रहें। धन्यवाद।